हथियार सर पैसे के काम कहीं कर रहे थे। कौन सा काम कर रहे थे आप? गैस प्लांट का जो थी नहीं अग्रवाही होता है, अग्रवाही कर रहे थे, तो उसमें हमको मतलब 2 महीना काम किए थे उसके साथ, हमको पैसा नहीं दिया था। अच्छा। तो फिर उससे हम बहुत दिन पैसा मांगते रहे, पैसा हमको नहीं मिल पाया था। उसके बाद सर हमको ऐसा आपको एक व्यक्ति बताया कि फलना रखता है, तुम हमको ला के दे दो, तब हम ले आए। मतलब पैसा के बदले तुम हथियार ले लिया? हाँ सर। कितना दिन पहले लाए थे? आज हो गया सर, लगता है 10-12 दिन हो गया होगा। 12 दिन पहले ना? हाँ सर। तब पछतावा हो रहा है? हाँ सर, अब तो हो। पर कलेक्शन करने के बाद कलेक्शन ऑफिसर सोंधी गांव कलेक्शन के लिए जा रहा था, इसी क्रम में सोंधी मोड़ पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराध कर्मियों के द्वारा कलेक्शन ऑफिसर के साथ लूटपाट की घटना की गई। लूटपाट के क्रम में कलेक्शन ऑफिसर के पास से 68,000 के आसपास रुपये लूट लिए गए। इस संदर्भ में तितरहाट थाना में कांड दर्ज किया गया। कांड दर्ज होने के बाद कांड के उद्भेदन, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और लूटे गए रुपयों की बरामदगी के लिए एएसपी रोशन के नेतृत्व में टीम गठित की गई। उस टीम में थानाध्यक्ष तितरहाट, थानाध्यक्ष टाउन, डीआईयू के की टीम के पदाधिकारी अवधेश, आयुष, पीयूष, गौरव, अनामिका, शोनी, शशिभूषण, टाउन थाना के जेएसआई शिवम के द्वारा इसमें कार्रवाई की गई। सबसे पहले फुटेज के आधार पर इस घटना में शामिल अपराध कर्मियों की पहचान स्थापित हुई और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर एक अपराध कर्मी को, जिसका नाम रणधीर उर्फ पुच्चा, जो पंडारक का रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी हुई स्थानीय पुलिस के सहयोग से। उसके पास से लूटा हुआ रुपया 13,000 और जिस हथियार का उपयोग लूट में किया गया था उसे बरामद किया गया। रणधीर से पूछताछ के बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। रणधीर को आज स्थानीय पुलिस के द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रणधीर के बताए अनुसार इस घटना में शामिल अपराधकर्मी कन्हैया की गिरफ्तारी हुई, जो शर्मा गांव का रहने वाला है, और उसके पास से भी लूटा गया रुपया बरामद किया गया। कन्हैया से पूछताछ के बाद इस घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग किया गया था उसकी बरामदगी के लिए टाउन थाना क्षेत्र में गढ़ी विशनपुर में छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में आकाश कुमार यादव उर्फ टीटी की गिरफ्तारी हुई। उसके पास से एक हथियार बरामद हुआ, साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। उसके घर की तलाशी जब हमारी टीम ने ली तो उसके घर से 1 2 नाली बंदूक और 3 अन्य हथियार बरामद हुए। इस तरह से हमारी एसआईटी की टीम के द्वारा 48 घंटे के भीतर कांड का उद्भेदन किया गया। घटना में शामिल
दोनों अपराधकर्मी की गिरफ्तारी हो गई है। लूटे गए अधिकांश रुपये बरामद हुए हैं और कुल 5 हथियार भी बरामद हुए हैं। एक अपराधकर्मी जो इसमें लाइनर का काम किया है उसकी भी पहचान स्थापित हो गई है, शीघ्र ही पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेगी। जो अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं कन्हैया, उसका पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है, पूर्व में भी वो चोरी और आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार होकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस तरह से लखीसराय पुलिस ने लूट की इस घटना का सफल उद्भेदन किया है। पूरी टीम में शामिल पुलिस कर्मी को कुछ ही समय में, जिसने इस कांड का सफल उद्भेदन किया है, अग्नियास्त्रम की बरामदगी की है, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, लूटे गए रुपये बरामद किया है, पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा।